हमने उनपे एक लाइन बना दिया दो लाइनें कि ऐसी नेकी ना करो, ऐसी नेकी ना करो जो जान की आफत होए, इज्जत माटी माँ मिले जग में हंसी सब होए। जैसे कबीर साहब, जैसे कबीर साहब जी लाइन बनाते थे। शादी हो गई है और देखिए हम अपना अपनी वाइफ का चेहरा भी दिखा रहे हैं। अरे मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बस हमने जिंदगी कर ली। ये दृष्टिहीन है और ये ढोलक बजा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पूर्णवासी साजन। पूर्णवासी साजन जी। वैसे इन लोगों को कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता है, ना कोई सोचता है कि नहीं लोगों, ऐसे लोगों की भी आवाज़ को उठाई जाए। बढ़िया, ऐसे बहुत सोशल मीडिया का तो ऐसा पावर है कि लोगों को फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक पहुँचा देता है। अच्छे जो लोग गाना गाते हैं, रानू मंडल उदाहरण है, बिहार के समस्तीपुर का अमरजीत जयकर उदाहरण है कि सोशल मीडिया ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारी भी मन में इच्छा हुई कि थोड़ा सा इनसे बात किया जाए और मुझे अच्छा लगा जिस तरह से बजा रहे थे, बड़ा बढ़िया बजा रहे थे ढोलक और गा भी रहे थे। तो थोड़ा सा जानते हैं और फिर एक दो गाना भी आपको सुनते हैं, सुनवाते हैं कि ये किस तरीके से गाते हैं। अच्छा, कहाँ घर है आपका? हमारा घर ग्राम शेखनपुरवा में है, मरका मौके उत्तर पूर्व एक कुछ दूरी पे। अच्छा, क्या नाम आपने बताया? पूर्णवासी साजन। अच्छा, पूर्णवासी साजन जी। तो साजन जी कब से यहाँ पे हैं, कराते हैं आप, कब से ये सब ढोलक बजाते हैं, कहाँ कहाँ बजाते हैं? पहले जब हम आए थे, हमारे पापा जी जब थे, हम छोटे थे 4-5 साल के, तो हमको लाते थे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बना नहीं था, बस चारों ओर से मतलब मुहारा था, सब चारों तरफ से रोड था, चक रोड था। अच्छा, कच्चा गलियारा कुछ। तो ये बचपन से ही आप दृष्टिहीन हैं जी? कभी इसका इलाज कराने की आपने कोशिश नहीं किया? दिल्ली में गुरु नानक हॉस्पिटल में हम जब गए एक बार दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोली कि हम देखो चेक करते हैं भैया आपको। जब उन्होंने चेक किया तो बता दिया कि देखो ऐसा है, इसमें क्या है कि मतलब जो दिमागी नस है आँखों की, जहाँ से कनेक्शन जुड़ता है, तो दिमागी नस नहीं है, तो इसलिए आपकी आँखें लग नहीं पाएंगी, यानी कि लग नहीं पाएंगी और आप ठीक नहीं हो पाएंगे जी, आप आजीवन दृष्टिहीन ही रहेंगे जी। अच्छा, ये ढोलक बजाना कहाँ से आपने सीख लिया? जब हम 2 साल के बच्चे थे, उसके बाद में जैसे हमारे पापा की खिराव थी, तो खिराव को हमने मतलब ऐसे ऐसे लड़ाना शुरू किया, जैसे इधर डंडा के ऐसे ऐसे हम उठाए और ऐसे ऐसे हाथ मतलब खिराव इधर उधर लड़ाना शुरू किया ऐसे ऐसे। तो उसके बाद में जब हम बोलने लायक हो गए, तब फिर हमने कहा कि पापा हमको ढोलक चाहिए, तो फिर उन्होंने ढोलक ला के हमको दिया। तो एक दो ढोलक तो खैर धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं, ये तीसरी ढोलक है। तो अच्छा, गाना में क्या क्या भजन गाते हैं? भजन और मतलब निर्गुण सगुण फिल्मी गजल कवाली। अरे वाह, मतलब सब गाते हैं जी। चलिए पहले आपसे भजन सुनेंगे फिर आगे भी गाना सुनेंगे, थोड़ा सुनाइए कोई। अच्छा, नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। हरे सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, हरे सब नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा। अब और क्या गा लेते हैं? और जैसे फिल्मी गीत है तो कोई सुनाइए। मोहम्मद रफी का एक पुराना गीत है। अरे वाह, तो मोहम्मद रफी साहब का गीत है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बस हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बस हमने जिंदगी कर ली, जो भी अंजाम होगा आगे दिख जाएगा, जो भी अंजाम होगा आगे दिख जाएगा, खुदा तलाश लिया हमने बंदगी कर ली, खुदा तलाश लिया हमने बंदगी कर ली,
किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। हाँ नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली, किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंतिम लाइन है जी। हाँ जिन्हें है प्यार चांदी से और इश्क सोने से, जिन्हें है प्यार चांदी से और इश्क सोने से, वही कहेंगे एक दिन खुद खुशी कर ली, वही कहेंगे एक दिन खुद खुशी कर ली, किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हैं। और कुछ सुनाएंगे? और हाँ बिल्कुल, क्या सुनाएंगे? हाँ तीन लाइन, एक है हाँ। हमने महंतों के ऊपर बनाया है, अरे वाह, साधुओं के ऊपर। आजकल के जो साधु संत हैं हाँ। तो अपना तो बड़ा मतलब भक्ता बनते हैं हाँ। सतनामी घराने का बनते हैं हाँ। और बड़े मतलब पूर्णातिमा के बनते हैं हाँ। लेकिन हमने उनमें क्या देखा कि वो मसाला भी खाते हैं। अरे वाह। जब मसाला खाते हैं हाँ। तो हमने उन पे दो लाइनें तीन बनाई हैं हाँ। लाइन ऐसी हैं हाँ। तो मुलाजा फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइन है, महंत मसाला खाते हैं साधु दिखाते शान हैं, महंत मसाला खाते हैं साधु दिखाते शान हैं, बकरी के आगे पाता डालो जैसे चबाती पान है। क्या बात है। तो इन्हीं लाइन हमारी ये हैं। और एक हमने परोपकार के बारे में हमने कुछ दो लाइनें बनाई हैं हाँ। तो एक हमारे मामा जी थे हाँ। और उन्होंने पैसा हमसे एक बार लिया 20,000 रुपये लिए और अपने लड़का को दिला दिया। अच्छा, आपसे लिए थे 20,000 रुपये? हाँ, उधार मतलब कि जो है काम पूरा हो जाएगा हम दिला देंगे, हम दे देंगे फिर आपको हाँ। और लेके भाग गए? नहीं नहीं, भाग नहीं गए हाँ। आप हमारी बात तो सुनिए। अच्छा सुनिए हाँ, नहीं तो मतलब उसमें बिना मतलब में बात रिकॉर्ड हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा हाँ। तो क्या हुआ हाँ। कि जब उनको दिला दिया उसके बाद में जब एक 6 महीना पूरा हो गया हाँ। तो हमने जब बताया कि ऐसा है कि अब तो मामा हमको पैसा चाहिए, तो धीरे धीरे जब उनसे कहने लगे तो अब मतलब उस पर 1 साल लग गया, तो अब हम उनको दिक्कत करने लगे कि भाई पैसा हमको दिलाइए दिलाइए। तो जब हमने उन पे एक लाइन बना दिया हाँ। दो लाइनें कि ऐसी नेकी ना करो हाँ। ऐसी नेकी ना करो जो जान की आफत होए हाँ। इज्जत माटी माँ मिले जग में हंसी सब होए। क्या बात। जैसे कबीर साहब, जैसे कबीर साहब जी लाइन बनाते थे हाँ। दोहा बनाते थे, वैसे हमने दोहा तैयार कर दिया कबीर जी की। तो जी हाँ, कि ऐसी नेकी ना करो जो जान की आफत होए, इज्जत माटी माँ मिले जग में हंसी सब होए। अच्छा। कि अगर अपने बूते तुम खुद नहीं दे सकते हो किसी को, घर वाले को, परिवार वाले को हाँ। तो तुम दूसरे से मत दिलाओ कि अगर बुढ़ा गया तो तुम्हारे ऊपर आफत आए। आफत आएगी। सही बात है। अच्छा, वो दिए कि नहीं मामा पैसे आपको? नहीं नहीं, तो फिर वो दे दिए मतलब दिला दिए। अच्छा, 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 दे दिए हाँ। लेकिन उनको हमने लाइन बना के सुना दिया कि कभी मतलब हाँ, गाना भी बनाया है कि बस ये दो लाइन थी? नहीं बस ये दो लाइन थी बस, गाना कोई बनाने की जरूरत नहीं थी। और क्या, भोजपुरी भी गा लेते हैं जी। एक हमारे ऊपर है गीत, हमने देवासुर संग्राम में एक सुना था हाँ, सुर संग्राम में वो गीत था। तो पता लगता है कि दिल्ली में चालू हुआ था 2011 में। तो एक नेत्रहीन ही लड़का गाता था। तो गीत है ये हमारे ऊपर सब हैं और वो भी वैसे था। असरा के फुलवा झरी जाला हो, असरा के फुलवा झरी जाला हियरा रात दिनायक लाला, असरा के फुलवा झरी जाला हियरा रात दिनायक लाला, कैसे का होई
सन यही जहानवा में, कैसे का होई सन यही जहानवा में, विधना ज्योतियों न दिहले बानयनवा में, विधना ज्योतियों न दिहले बानयनवा में, असरा के फुलवा झरी जाला यर रात दिनाय कुलाला, असरा के फुलवा झरी जाला यर रात दिनाय कुलाला, कैसे का होई सन यही जहानवा में, विधना ज्योतियों न दिहले बानयनवा में। अच्छा बताइए जी, भोजपुरी सुना दिया आपने, भजन सुना दिया, हाँ मोहम्मद रफी का गाना सुना दिया जी, हिंदी गाना कोई और सुनाइए, हिंदी गाना जो आप जानते हो। हिंदी हाँ ठीक है, तो हम एक मदर इंडिया फिल्म का गीत सुना रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जी पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत से संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत से संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जिसने दिए हैं गम वही गम दूर करेगा, जिसने दिए हैं गम वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा जी। और इन्होंने जो भी गाना सुनाया बहुत दिल को छूने वाले गाने थे, इन्होंने अपने ऊपर भी गाए, साधु महात्मा पर गाए, अपने मामा जी के, मामा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी इन्होंने दो लाइन बना दिया कि अलग उल्मेटर था कि फिर बाद में इनके पैसे लौटा दिए गए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक जाते जाते एक बात बता दीजिए जी, दिन भर में जो भी लोग आपके पास आते हैं, हाँ, और जो लोग देते हैं उसी से आप अपना जीवन यापन करते हैं। शादी हुई है? शादी हो गई है। और देखिए हम अपना अपनी वाइफ का चेहरा भी दिखा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, वाइफ का चेहरा भी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, वाइफ से मतलब बहुत प्यार करते हैं आप जी, जो कि साथ में लेके चलते हैं, जो कि उनको भी दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा वो भी दृष्टिहीन है जी, निकास की बीमारी से 7-5 साल की उम्र में ऐसा हुआ था। बच्चे उच्चे हैं आपके? अभी बच्चे नहीं हुए हैं। कितना दिन शादी को हुआ अभी? 1 साल हुआ है। ये देखिए पत्नी प्रेम देखिए इनका, कि देखिए तस्वीर साथ में लेके चलते हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब वो कैसी हैं। लाइए थोड़ा सा हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या बात है। ये इनकी पत्नी है और इतना नाम सरिता है, सरिता है, और इतना ये इनसे प्रेम करते हैं कि इनकी तस्वीर अपने साथ लेकर के चलते हैं, और बिना बताए ही इन्होंने कहा कि मीडिया को हम अपनी पत्नी की तस्वीर भी दिखाएंगे। भगवान इनकी मनोकामना पूरा करें और इनके प्रेम को ऐसे ही बरकरार रखें, यही कामना करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक काम कीजिए भैया जी, जी कि जरा ऑटो का नंबर मिला दीजिए। हाँ। और देखते हैं कि मतलब वो अगर आ जाए, हाँ, तो हम मरकमो तक चले जाएं मतलब। अच्छा अच्छा, ऑटो का नंबर मिला दिया आपसे। हाँ। चलिए हम अब इनकी हेल्प करते हैं और वीडियो कहीं क्लोज करते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।